So, welcome back for the third module, तीसरा module, first module and second module में हमने क्या देखा था? We were talking something about the number system. Number system में हमने, we have already seen natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, irrational numbers. Rational and irrational numbers combinedly, they are called as real numbers. And why are they so called? मतलब इन numbers को, किन numbers को, rational numbers को और irrational numbers को combinedly हम real numbers क्यों कहते हैं? Because real है वो, सच्ची मुची के numbers हैं, है ना? Right. Those numbers which can be represented on a number line, जिन numbers को हम number line के ऊपर represent कर सकते हैं, ऐसे numbers को हम real numbers कहते हैं. Alright. तो second module तक हमने real numbers क्या होते हैं, then rational numbers में we can express rational numbers in the form of p upon q as well as in terms of decimal fractions. Right. तो p upon q form, those numbers which can be expressed as p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0, is a rational number. Then उससे जुड़ता हुआ हमने और एक definition किया था rational numbers का, कि कोई भी decimal expansion, कोई भी decimal number, decimal fraction जो रहता है, जो या तो terminate होता है, अगर terminate नहीं हो रहा है, repeat हो रहा है, ना, non-terminating but recurring, ऐसे numbers भी हम rational numbers थे, right? So yesterday we have seen that how to convert a decimal fraction into p upon q form, right? So decimal fraction में दो type के रहते हैं, एक रहता है terminating वाला और दूसरा रहता है non-terminating but recurring. So terminating वाले को p upon q form में represent करना बहुत easy method था, कल हमने देख लिया उसको. आज हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो जनरली एग्जाम में पूछते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है इसका. से फॉर एग्जांपल, अभी हमारे पास एक नंबर है 10/3, राइट? ये 10/3 को अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? विल डिवाइड 10/3, राइट? मैं सेपरेटली करा देखो, यहां पे 10/3, राइट? सो दिस विल बी 3, 3s आर 9, 10 - 9 is 1, पॉइंट लगा के 0, 3, 3s आर 9, एंड दिस कंटिन्यूअसली गोज ऑन लाइक दिस, राइट? ये चलते जाएगा, दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग बट इट इज रिकरिंग, रिपीट हो रहा है ये, राइट? So can we write this thing as 10/3 as 3.3 bar? This is nothing but 3.3 bar. We'll take one more example. Say 15 divided by 6. 15 divided by 6. So this will be 6 2s are 12, 3. पॉइंट लगा के 0, 6 5s are 30, 0 आ गया है. तो यहां पे अगर रिमाइंडर 0 आता है तो डेफिनेटली इट इज टर्मिनेटिंग टाइप. सो 15 divided by 6 is 2.5, ये टर्मिनेट हो रहा है, राइट? सो ऐसे कुछ नंबर्स रहते हैं जो रिपीट होते हैं या टर्मिनेट होते हैं. तो जो टर्मिनेट होते हैं उनको p upon q form में कन्वर्ट करना. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू से कि वे 2.5, हाउ कैन वी से दैट दिस इज 15/6? सो आई कैन राइट दिस थिंग एज 25/10. ऑलराइट, सो दिस इज 5 5s are and 5 2s are. तो यू से दैट 15/6 इज वंस अगेन दिस इज 15, सॉरी किसे कैंसिल करेंगे हम, 3 5s are and 3 2s are, सो दिस इज 5/2. So, it is very easy to convert a terminating type of decimal fraction into p upon q form, right? But suppose, if you ask me,
कि 10 अपॉन 3 को हम 3.3 बार लिख सकते हैं. इसका मतलब है 3.3 बार को हम वी कैन एक्सप्रेस देम एज 10 अपॉन 3. एंड वी सी हाउ वी कैन एक्सप्रेस दिस 3.3 बार एज पी अपॉन क्यू. तो ये समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स. राइट, सो मैं कुछ एग्जांपल्स ऐसे लूंगा जहां पे रिपीटेशन अलग अलग टाइप का रहे. तो बिफोर दैट, सबसे पहले हम ये प्रूव कर लेते हैं कि 10 अपॉन 3 जो है 3.3 बार को हम 10 अपॉन 3 लिख सकते हैं. फिर देन वी टेक सम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स सो यू अंडरस्टैंड इट बेटर. सो जो हमको यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन यहाँ पे रिकरिंग टाइप में है एंड ओनली वन डिजिट इज रिपीटिंग दैट इज 3 इज रिपीटिंग. राइट, सो हम जो क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक्सप्रेस 3.3 बार इन पी अपॉन क्यू फॉर्म. तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपको कि भाई 3.3 बार को आप p अपॉन q फॉर्म में एक्सप्रेस करिए करके. अगर ये सिर्फ 3.3 होता, इफ इट वुड हैव बीन ओनली 3.3 बार नहीं होते हुए 3.3 होता, तो आई कैन डायरेक्टली डू इट लाइक दिस 33 अपॉन 10 हो गया. राइट, बट सिंस इट इज 3.3 बार वी कैन नॉट यूज दिस वन. तो इसके लिए एक स्पेशल मेथड इज देयर, यू हैव टू जस्ट फॉलो द मेथड. तो पहला स्टेप जो है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अज्यूम करो कि इट इज इक्वल टू एक्स. सो लेट एक्स इज इक्वल टू 3.3 बार को मैं 3.333 डॉट 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 लिख सकता हूं. यस, सो आई विल कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर वन. इसको हम इक्वेशन नंबर वन लिखेंगे. नाउ डेसिमल के बाद में how many digits are repeating? So this is only one digit is repeating, that is 3 is repeating one. So since only one digit is repeating, we'll multiply this equation by 10. Agar two digits repeat hote hain, so we'll have to multiply it by 10. Agar three digits repeat hote hain, then we have to multiply it by 1000. Alright? So for example, if I say 2.17 bar, to wahan pe two digits, 1 and 7, are repeating. Two digits are repeating. When we have 3.125 bar, that means यहाँ पे तीन digits repeat हो रहे हैं, right? So हम ये इसके अलग-अलग examples हम बाद में लेंगे. For the time being, we are taking the example where only one digit is repeating. है ना बेटा? Now since only one digit is repeating, we'll multiply this equation by 10. So we'll have to write our statement here. Multiplying equation 1 by 10. तो अगर मैं पूरे equation को 10 से multiply करूँ, that is x is equal to 3.3333 dot dot dot. If I multiply the whole equation by 10, तो हमें क्या मिलेगा? 10 into x is 10x is equal to. जो मैं 10 से इस right hand side को multiply करूँगा, so since we are multiplying the digit will, so the decimal will shift to the right, so this becomes 33.3333 dot 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 dot. Right, ab kuch bachon ko doubt aaya ki yaar ye jo 3 yahan pe 4 the, to 4 nahi hai, the infinite tak 3333, usme se main 4 le liya. Right, now I'll call this equation as equation number 2. ये हमारा पहला इक्वेशन था, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है. दिस इक्वेशन सेम एज दिस इक्वेशन. अभी हमको मालूम है कि 10x इज ग्रेटर देन x, 33 इज ग्रेटर देन 3, सो वी विल सबट्रैक्ट द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन. मतलब इस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में से हमको सेकंड फर्स्ट इक्वेशन सबट्रैक्ट करना है. तो हमको यहां एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from equation number 2. मतलब second equation में से first equation को subtract करना है. तो second equation ऊपर लिखेंगे हम 10x is equal to 33.3333 dot 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 dot.
माइनस दिस इज x, जिसको हम 1x भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3.3333 करना है। Now, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, if you see carefully, decimal के बाद में ऊपर भी 3333 है और इधर भी 333, मतलब decimal के बाद में सब zeros आ जाएंगे, मतलब decimal के बाद में this will be all 0 0 0, because 3 minus 3 is 0, right? Here also 3 minus 3 is 0 and यहां पे 3, मतलब 33 में से 3 निकल गया, 30 is equal to 10x minus 1x is 9x. So decimal के बाद में 0 से कोई value रहता नहीं है, तो I will not write it. So 9x is equal to 30. 9x is equal to 30. So x is equal to 30 upon 9. So you can cancel with 3. 3 3s are 9. 3 10s are. So x is equal to 10 upon 3. जो हमने 10 को 3 से डिवाइड किया तो हमको मिल रहा था 3.333. जो हमने 3.33 को p upon q फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वंस अगेन इट इज 10 upon 3. समझ में आ रहा बेटा? So this is how we have to convert the recurring type of decimal expansion into p upon q form, right? Now we'll take some more examples. Question aayega like this. See, express 3.12 bar in p upon q form. They convert 3.12 bar in p upon q form. So the procedure, the method remains the same, right? Now hum pehla step kya rahega, let x is equal to 3.12, and since 12 both of them are repeating, I'll write 12 12 12 12 12. This is equation number 1. And since two digits are repeating, 1 2 1 2 1 2 1 2, दो digits repeat हो रहे हैं, we'll multiply this equation by 100, right? So multiplying equation 1 by 100, what we get? इसको मुझे 100 से multiply करना है, तो 100 into x is 100x. जब मैं इसको पूरे इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सिंस 100 में दो जीरोस हैं, तो ये डेसिमल दो बार शिफ्ट होगा, सो दिस बिकम्स 312.12121212. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इज सबट्रैक्टिंग द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन. पहले इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो यू हैव राइट डाउन द स्टेटमेंट हियर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. सेकेंड इक्वेशन में से पहला इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए सेकेंड इक्वेशन ऊपर लिखेंगे हम, तो दिस विल बी 100x is equal to 312.12121212 minus, well, my equation is this one, 1x is equal to, it is 3.12121212. So, jo hum subtract karte hain, hai na? So decimal ke right side mein, you'll find that all the terms are same, 1212121212121212. डेसिमल के बाद में सब जीरो से आएगा, डेसिमल के बाद में जीरो नहीं लिखा तो भी चलता है, और यू हैव टू सबट्रैक्ट 3 फ्रॉम 312, है ना? तो यहां से कैरी 1, 12 माइनस 3 इज 9, यहां पे जीरो है, राइट? एंड हियर इज 3. सो 100x माइनस 1x इज 99x इज इक्वल टू 309. So x will be equal to 309 upon 99. Alright.
So we'll cancel it with 3, 3, 33 is 3, 1, 0, 3, 0, 3, 0. So it is 103 upon 33 is the answer. Alright, we'll take one more example, जहाँ पे तीन digits repeat हो रहे हैं, right? And ये हम अलग-अलग type के क्यों कर रहे हैं कि आपका confusion नहीं होना चाहिए, and आपको जो है procedure, that means the method, you have to understand it in a proper way, because whether it is one digit repeating or two digits repeating or three digits repeating, method is the same, right? There is मतलब कुछ बच्चों को ऐसा लगता है ना यार एक digit repeat होता है easy question है, दो digit repeat होता है difficult है, नहीं. The method is same, right? So you have to understand the method. See, suppose if somebody asks us to convert 5.321 bar into P upon Q form, right? So as usual, let X is equal to 5.321 बार-बार नहीं लिखूँगा, I'll just write it one of them. But it is understood, it is for in one of time. So this is equation number 1. Since 3 digits are repeating, I'll have to multiply this by 1000. Now, this statement written, that's only written down, aapko bhi samajh mein aa jayega. So, I multiply this by 1000. So, 1000x is equal. Since I'm multiplying this equation by 1000, the decimal will shift 3 times. So, 1, 2, 3. So, this will be 5321.321321. This is equation number 2. So what is the next step? Subtracting the first equation from the second equation. So my second equation pehle likhunga, uske baad main niche uske first equation likhunga. So once again, 1000x is equal to 5321.321321.-1x is equal to 5.321321.-. So when we subtract, the 1000x minus 1x is 999x is equal to decimal ke right side mein it is completely zero. So 11 minus 5 is 6, 1, 3, 5. So 5316. And x will be equal to 5316 upon 999. Just check it whether we can cancel the numerator and denominator. 5 plus 3, 8, 9, 9 plus 6 is 15. So we can cancel with 3. Alright. So 3 ones are 3, 3 sevens are 21, 3 sevens are 21, 3 twos are 6 upon 3, 3, 3. Alright. 14, 15, 16, 17, no, we cannot cancel it. And what about 7 plus 2, 9, 7 plus 1 is 8. Now there. Right? So, P upon Q form, kya rahega iska? 5.321 is same as 1772 upon 333. Alright? So, aapke textbook mein kuch questions diye hue rahenge based on this topic. Make sure that you solve some of the questions, right? So what I suggest to the children as well as the parent is that, especially ये मैं parents से बात करना चाहूँगा कि generally हम class में बच्चों को बोलते हैं कि mobile से ज़्यादा देर बैठ के खेलना नहीं है, mobile देखना नहीं है, TV देखना नहीं है, but unfortunately because of the situation, इस situation की वजह से हमको बच्चों के हाथ में mobile देना पड़ रहा है. मुझे आप लोगों से यही गुजारिश है, विनती है आप लोगों से, पेरेंट्स से, कि जब भी बच्चा आपका मोबाइल लेके बैठा हुआ है, मेक श्योर दैट आप ये किन से बोलना है कि हमको बच्चे के साथ में बैठना है. ये इसलिए नहीं कि बच्चे के ऊपर हमें भरोसा नहीं है,
हमको इसलिए बैठना है क्योंकि बच्चे को नहीं समझ आता है कि सही क्या है और गलत क्या है, राइट। तो वो थोड़ी देर देखेगा, फिर बाद में जब बोर हो जाएगा तो इमिडिएटली वो यूट्यूब में कोई दूसरा टॉपिक देखेगा या फिर गेम्स खेलते बैठेगा। तो हमें बच्चों को ये सब नहीं करते देना है। तो इनिशियली एक 15-20 दिन अगर आप बच्चों के साथ में थोड़ा सा सख्ती बरतेंगे तो ये उनकी आदत पड़ जाएगी, राइट। बच्चों के ऊपर तो 100% यकीन करना ही है हमें, लेकिन बच्चे जो है ये जनरेशन के, उनको समझ नहीं आता है कि उनके लिए सही क्या है करके। उनको जो अच्छा लगता है वो करना चाहते हैं, उनके लिए क्या अच्छा है वो नहीं करेंगे, उनको जो अच्छा लगता है वो करेंगे। तो स्पेशली पेरेंट्स से मुझे आप लोगों से यही कहना है कि जब भी बच्चा आपका, ये जो मेरे मैथ्स के वीडियोस हैं ये हार्डली 20 मिनट के रहेंगे, 25 मिनट के रहेंगे, तो उतना आपको टाइम निकालना है और ये आप अपने टाइम से दिखा सकते हैं बच्चे को, राइट। ये लाइव तो नहीं है, ये व्हाट्सएप सॉरी यूट्यूब पे आ रहा है, राइट। तो ये आप बच्चों को बोलना कि भाई मैं 8 बजे तक खाना बना दूंगी, या फिर मैं 8 बजे से ऑफिस तो आ जाऊँगा, या फिर 8 से लेके हम 8:30 तक मैथ्स का वीडियो देखेंगे, राइट। सेम थिंग आप साइंस के लिए भी कर सकते हैं और अदर सब्जेक्ट्स भी कर सकते हैं, राइट। बाय।